नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया एंड अ वॉर्म वेलकम ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ विन आईएएस, जो कि डील करता है बेसिकली एमपीपीएससी। और अगर हम अभी देखें तो एमपी में जो भी ऑनगोइंग एग्ज़ाम्स हैं लाइक पटवारी एंड ऑल, जिनमें एमपी जीके काफ़ी मेजर पार्ट प्ले करता है, तो आज उन एग्ज़ाम्स के लिए हमारी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि आई एम ट्राइंग टू मेक यू ऑल फैमिलियर विद एमपी जीके, दैट इज़ मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में आज हमारी ये वीडियो है एक छोटे से टॉपिक पर, दैट इज़ वन ऑफ द इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, दैट इज़ केन बेतवा प्रोजेक्ट, जो मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में हमें पढ़ना है, जो कि हम कुछ हेड्स पर पढ़ेंगे। ठीक है, किन हेड्स पर पढ़ेंगे हम बेसिकली ये प्रोजेक्ट? तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्यों बना, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना, सैंक्शन करने का मेजर डिमांड या मेजर ड्राइविंग फोर्स क्या रही। ठीक है, इसके बारे में हम इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड देख लेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कब इस प्रोजेक्ट पे जो एग्रीमेंट था वो साइन हुआ, कब इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करा, अभी रिसेंटली में इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, ये देख लेंगे हम। ठीक है, थर्ड हेड देख लेंगे हम इससे रिलेटेड जो भी डेटा है। ठीक है, डेटा ऐसे कि कितने लोगों को ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाता है, कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रो पावर जनरेट होता है इससे, कितना एरिया इससे इरीगेट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसके डेटा में देख लेंगे। ठीक है, तो ये मेजर हेड्स रहेंगे हमारा ये प्रोजेक्ट पढ़ने के। वैसे तो अगर हम बात करें जो एमपी को नदियों का मायका कहा जाता है, एमपी में काफ़ी नदियों का हमको रोल देखने को मिलता है, लेकिन ये पहली केन और बेतवा रिवर, आज हमें इन दोनों रिवर से डील करना है। हमारे जो टॉपिक का नाम भी केन बेतवा प्रोजेक्ट है, तो हमें इंडिविजुअली पहले इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सा हम इनका बैकग्राउंड देख लेंगे, क्या बैकग्राउंड है या क्या सिग्निफिकेंस है केन रिवर का। ठीक है, तो केन रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, ये होती है हमारे एमपी में कैमूर रेंज, जो विंध्याचल का एक्सटेंशन है कैमूर रेंज, वहाँ से हमारी केन रिवर ओरिजिन होती है। बेतवा कहाँ से ओरिजिन होती है, बेतवा ओरिजिन होती है हमारी कुमरा गांव रायसेन से। ठीक है, और ये दोनों जो रिवर्स हैं क्या हैं, ये दोनों यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। अगर आप देखें मैप में तो ये देखिए केन बहकर मतलब ऊपर फ्लो होकर ऊपर जा रही है नॉर्थ में, और कहाँ उत्तर प्रदेश में जाके, उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलर जगह है क्या, बांदा। ठीक है, बांदा में जाके यमुना से मिल जाती है। ऐसी सेम बेतवा का है, बेतवा यहाँ से जाके नॉर्थ में जाके यमुना से मिल जाती है। ये कहाँ पर यमुना से मिलती है, ये यमुना से कनेक्ट होती है हमीरपुर में, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यमुना से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो क्या पता चला हमें इससे, केन और बेतवा क्या है, यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और केन रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, कैमूर रेंज से। बेतवा रिवर ओरिजिन होती है कहाँ से, हमारे कुमरा गांव रायसेन से ओरिजिन होती है। ठीक है, अब हमने जो तीन हेड्स हमने बात करी थी कि हम इस प्रोजेक्ट को तीन हेड्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो कि जैसे आप एमपी का मैप आपने देखा होगा, तो ये देखिए ये जो वाला राइज है ना एमपी का, ये ठीक है, मैं इरेज करके फिर से हाईलाइट करती हूँ, मे बी इट विल बी हेल्पफुल। तो ये वाला जो राइज़ है, ठीक है, मतलब ये देखिए ये एमपी का मैप है, ग्वालियर चंबल डिवीज़न हो जाता है, और ये साइड में जो बुंदेलखंड वाला राइज़ आता है, ठीक है, मेजर जिसमें कौन कौन से ज़िले हैं, हमारा टीकमगढ़ है ना, ये छतरपुर, ये हमारा पन्ना, ये जो मेजर जो इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो वाला एरिया क्या हम इसको कहते हैं, बुंदेलखंड कहते हैं, बुंदेलखंड का राइस कहते हैं। ये फेमस क्यों है, फेमस है कह सकते हैं, इनफेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल के इश्यूज हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया है, कि सूखाग्रस्त, सूखे की यहाँ प्रॉब्लम बहुत ही डोमिनेटिंग है ना। तो दिस वॉज द मेजर ड्राइविंग फोर्स है ना, कि जिसके लिए इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना जोर दिया जा रहा था। ठीक है, क्या था इसका मेन मोटिव और कैसे ये इम्प्लीमेंट होता, तो ये था कि जो केन रिवर है इस, ये कह सकते हैं कि इसमें वाटर की अवेलेबिलिटी गुड इनफ है, और बेतवा रिवर में इतनी ज़्यादा नहीं है। बेतवा को डेफिसिट बेसिन कहते हैं और केन को सरप्लस बेसिन कहते हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये दोनों जो रिवर्स हैं वो क्या करती हैं, जो बुंदेलखंड वाला एरिया है उसको ड्रेन करती हैं। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का मेजर ऑब्जेक्टिव था टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम द सरप्लस बेसिन ऑफ केन रिवर टू द डेफिसिट बेसिन ऑफ बेतवा रिवर।
ठीक है। तो अगर तीन नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो हमको इसका मेजर ऑब्जेक्टिव तो पहली चीज़ इसकी अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे किसी प्रोजेक्ट को या किसी भी चीज़ को तो आप ऑब्जेक्टिव से इंट्रोड्यूस करोगे। तो आप क्या लिखोगे, टू ट्रांसफर द सरप्लस, टू ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम सरप्लस बेसिन ऑफ केन रिवर टू डेफिसिट बेसिन ऑफ बेतवा रिवर, ठीक है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। अब हम देख लेंगे इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड, ठीक है। तो हिस्ट्री और बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसकी डेट्स देख लेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि एमपी और उत्तर प्रदेश का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, पर एक ट्रिपटाइट एग्रीमेंट साइन हुआ है। एमपी उत्तर प्रदेश का जॉइंट प्रोजेक्ट कैसे, देखिए एमपी के तीन जिले कौन कौन से, टीकमगढ़ बताया मैंने, छतरपुर बताया, पन्ना, तीन जिले इसमें कवर होते हैं। ऐसे तीन जिलों को ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, हमारी हाइड्रो पावर, इरीगेशन, ये सारी सुविधाएँ इन तीन जिलों को मेजर प्रोवाइड होती हैं, ठीक है, इस प्रोजेक्ट से। तो और यूपी के भी कुछ जिले हैं जैसे बांदा, झांसी, है ना, इनमें भी यही सारी सुविधाएं इन जिलों में भी प्रोवाइड होती हैं। तो एमपी और उत्तर प्रदेश का क्या है, ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो एक ट्रिपटाइट त्रिपक्षीय समझौता, ट्रिपटाइट एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं, वो साइन हुआ था। कब साइन हुआ था वो, तो हम देखेंगे ये प्रोजेक्ट 2005 का है, ठीक है, 2005 का प्रोजेक्ट है। 22 मार्च को ये साइन हुआ था, ट्रिपटाइट एग्रीमेंट बिटवीन एमपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड आर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके, इन तीनों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता साइन हुआ था 22 मार्च 2005 को। अभी डेट क्यों इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को क्या होता है, 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। तो इसीलिए हमें डेट याद रखनी है कि ये कब साइन हुआ है, 22 मार्च को साइन हुआ है, ठीक है। तो एक इसका डेवलपमेंट ये कह सकते हैं कि इसका सैंक्शन कब हुआ है, 2005 में, ठीक है, 2005 में ये प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। 2008 आया है दूसरा, ये 2008 में क्या हुआ है, 2008 में ये हुआ है कि इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया है, कब, 2008 में, ठीक है। फिर क्या हुआ है, फिर हम देखेंगे हमारा रीसेंट डेवलपमेंट 2021 में क्या हुआ है, 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 44,605 करोड़ का बजट इसके लिए एलोकेट करा है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए। कितना, ये हमें डेटा याद रखना है कि कितना बजट एलोकेट हुआ है। एम पी पी फैक्चुअल इनफ है, ये आपसे सीधा सीधा पूछ सकती है कि कितना बजट एलोकेट हुआ है, या फिर आपको कोई तीन ऑप्शंस दे देगी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किस किस का जॉइंट प्रोजेक्ट है, ये इसमें कितना बजट एलोकेट हुआ है ना, ट्रिपटाइट एग्रीमेंट है तो किन तीन एजेंसीज है, किन तीन गवर्नमेंट है, किन के बीच साइन हुआ है, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये हमको रिकॉल बार बार करते चलनी है, ठीक है। तो कितना, 44,605 करोड़, मतलब 44,605 करोड़ का बजट इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट हुआ है इन टोटल, ठीक है। क्या देख लिया, 2005 का प्रोजेक्ट है, 22 मार्च 2005 को साइन हुआ है, मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है, सैंक्शन हुआ है, 2008 में इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करा है, और 2021 में इतना इसमें बजट सैंक्शन हुआ है, ठीक है। और एमपी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये त्रिपक्षीय समझौता है, ठीक है, ये देख लिया। इसका हिस्ट्री हो गई है, अब इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें कि प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ कैसे है, और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को हम फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 1980 में क्या आया था, एक नेशनल प्रस्पेक्टिव प्लान, क्या आया था 1980 में, एक नेशनल प्रस्पेक्टिव प्लान, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये प्लान, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा था कि जो वाटर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब जो डेफिसिट बेसिन्स हैं उनमें सरप्लस बेसिन से वाटर ट्रांसफ़र हो सके, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से बेसिकली डील करता था। कब आया था नेशनल प्रस्पेक्टिव प्लान, 1980 में आया था, ठीक है। और इसी प्लान के अंदर जो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, फर्स्ट प्रोजेक्ट था, है ना। लेकिन हम देखें कि 2021 तक इसके लिए बजट एलोकेट हो रहा है, 2005 में ही आया था, अभी तक इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा सका है, ठीक है। तो एक बेसिक नॉलेज के लिए भी और एज अ थ्री मार्कर भी हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन से मेजर इश्यूज थे जिनकी वजह से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट होने में इतना समय लगा, ठीक है। तो इसको भी हम तीन हेड्स पे बात करते हैं, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम्स की। कौन कौन से तीन हेड्स हैं, वो है पहला है टेक्नो इकोनॉमिकल, दैट इज टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इश्यूज आ रहे थे इसमें, ठीक है। मतलब फंड्स कितना कौन कौन सी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, ये सारी चीज़ें पहला हो गया, ठीक है। कौन सा, यहाँ लिख देती हूँ मैं,
टेक्नो इकोनॉमिकल, ठीक है। दूसरा हो गया है हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल, और तीसरा हो गया है हमारा रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, ठीक है। समझ लीजिएगा बोल रही हूँ मैं, तो यू जस्ट रोट इट डाउन क्या क्या हो गया। पहला टेक्नो इकोनॉमिकल, वो मैं बता चुकी हूँ। इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल की अगर हम बात करें तो उसमें ये है कि मैंने बताया आपको केन रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, हमारी कैमूर रेंज से ओरिजिन होती है, हैं। और ये हमको देखने को मिल रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच में से ये रिवर पास हो रही है, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व हमको पता है क्या है, फेमस फॉर टाइगर्स एंड कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स, ठीक है। तो इसकी जो पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर एरिया को ये सबमर्ज कर देती है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मतलब सबमर्ज कर देगा। क्या होगा इस प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में बेसिकली केन को बेतवा से लिंक किया जाएगा विद अ 221 किलोमीटर कैनाल, ठीक है। एक कैनाल बनेगी, ये कैनाल दिख रही है आपको, ये लिखा हुआ है केन बेतवा लिंक, ठीक है। कैनाल बनी है कितने की, 221 किलोमीटर की ये कैनाल बनेगी, इससे लिंक किया जाएगा इन दोनों रिवर्स को, है ना, वाटर ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो उसी के अंडर क्या होगा कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका जो कोर एरिया है ना वो सबमर्ज हो जाएगा, कोर एरिया सबमर्ज हो जाएगा। तो अब टाइगर्स जो हैं, है ना, वल्चर्स है, जो भी वाइल्ड लाइफ है वहाँ पर, तो उनकी मतलब उनका कंसर्न है ना इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल कंसर्न लिया जाएगा। फॉरेस्ट जो पन्ना टाइगर रिजर्व का मेन जो कोर एरिया वाला फॉरेस्ट है वो पूरा इसमें सबमर्ज हो जाएगा। तो ये इसका इकोनॉमिक वो इकोलॉजिकली और इन्वायरमेंट इशू में इंक्लूड हो जाएगा। रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट मतलब जो गांव वगैरह हैं उनके लोग वो तो फिर भी ठीक है, उसके बाद जो टाइगर्स हैं पन्ना टाइगर रिजर्व के उनका कोर एरिया सबमर्ज हो रहा है, तो वो जो टाइगर्स हैं उनके बारे में क्या किया जाएगा, ठीक है। तो उनके रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की भी बात की गई है। तो आफ्टर ये 2021 में जो इसके बाद बजट एलोकेट हुआ है इसको इम्प्लीमेंट करने, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों गवर्नमेंट्स को ये आदेश दिए हैं, डायरेक्शन दिया है उनको कि आप जो टाइगर्स हैं जो सफ़र करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंडर, उनके लिए आप कुछ नया उपाय खोजें या कुछ नया कोई एरिया या कोई टाइगर रिजर्व आप सैंक्शन करें या उसको कोई टाइगर रिजर्व बनाएं कि जो ये वाले टाइगर्स हैं उनको वहाँ पे शिफ्ट कराया जा सके, ठीक है, कि उनको कोई अफेक्ट ना हो, है ना। तो मेजर तीन प्रॉब्लम्स देख ली हमने, कौन कौन सी, टेक्नो इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम और हमारी रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट इश्यूज, ठीक है। ये वाले इश्यूज़ चल रहे थे, इसी चक्कर में इसके इम्प्लीमेंटेशन में इतना देर हुआ है, ठीक है। ये हमने देख लिया है इसके बारे में, हमने अब डेटा भी देख लिया। अब हम डेटा की बात करेंगे तो क्या हो गया है, पहली चीज़ हमने देख ली है कि जो केन रिवर को बेतवा रिवर से लिंक किया जाएगा, कितने 221 किलोमीटर की कैनाल से लिंक किया जाएगा, पहला डेटा हो गया। दूसरा क्या हो गया है, मध्य प्रदेश के तीन जिले, क्या मध्य प्रदेश के तीन जिले इस प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड होंगे, कौन कौन से तीन जिले होंगे, वो हमारा टीकमगढ़, ठीक है, हमारा छतरपुर और हमारा पन्ना, ये तीन जिले, इन तीन जिलों में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, हाइड्रो पावर की, इरिगेशन की फैसिलिटी इस प्रोजेक्ट के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। ये दो डेटा हो गए, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखेंगे हम कि ड्रिंकिंग वाटर कितना, ड्रिंकिंग वाटर कितने लोगों को अवेलेबल होगा, तो 62 लाख, है ना, 62 लाख लोगों को पीने की पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। और चौथा हम देखेंगे, तो चौथे का ये है कि हाइड्रो पावर कितना जनरेट होगा, तो 103 मेगावाट हाइड्रो पावर जनरेट होगा, कितना, 103 मेगावाट हाइड्रो पावर इसमें जनरेट होगा, ठीक है। ये हमको डेटा इसका याद रखना है, बजट भी हमको इसका याद रखना है, कितना एलोकेट हुआ, तो 44,605 करोड़, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या था, 2005 22 मार्च को साइन हुआ है, ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट है बिटवीन MP UP एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और क्या है कि 2008 में इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर करा है, ठीक है, और 2021 में इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट एलोकेट करा है, ठीक है। अब हम देखें तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज केन और बेतवा है, ठीक है। इसमें इस प्रोजेक्ट को ना फेजेस में डिवाइड करा है, ठीक है, फेजेस में, ऐसे इनकी जो फर्स्ट फेज है उसमें जो केन रिवर है ना यहाँ पे एक धौधन डैम करके है, धौधन डैम उसका कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। कौन सा डैम होगा यहाँ पे, धौधन, धौधन डैम करके नाम है उसका, कंस्ट्रक्शन होगा, कितना 77 मीटर टॉल ही डैम होगा, मतलब बेसिकली पानी वहाँ पे स्टोर करेंगे और फिर वो कैनाल के थ्रू, जो 221 किलोमीटर की कैनाल है उसके थ्रू वहाँ से पानी को बेतवा में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये है, तो पहला क्या है, धौधन डैम कंस्ट्रक्ट होगा, और यहाँ बेतवा रिवर पे कोटा बैरेज और एक दो तीन डैम्स और काइंड ऑफ छोटे छोटे जो स्टोरेज एरियाज हैं उनको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फेजेस में ये प्रोजेक्ट डिवाइडेड है। तो ये है हमारा पूरा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, ठीक है।
हमने पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में बात करी है, और अगर हम आप इसके कुछ करंट डेवलपमेंट या करंट अफेयर में इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन और रिलेशन क्या है, तो हम उसमें एक नई चीज़ अभी भी आई है कि मैंने जो बताया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको डायरेक्शन दिए हैं कि आप कुछ नया एरिया डिस्कवर करें या कुछ करें उन टाइगर्स के लिए जो रिहैबिलिटेट होंगे, ठीक है। तो उनके लिए क्या हुआ है कि ये जो सागर, दमोह और यहीं पे नरसिंहपुर है, वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जो हमारी गोल्डी क्वीन थी ना रानी दुर्गावती, उनके नाम पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। कौन सी? दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही थी। इसको पहले इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी? दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनी थी? 1996 में बनी थी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। कहाँ पर? ये दमोह, सागर दमोह वाले रीजन में थी। ठीक है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या करा है? टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर करा है। कब? 2022 में। क्या नाम है इसका? वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, कब? 2022 में डिक्लेयर करा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब थी? 1996 में थी। ठीक है, टाइगर रिजर्व कब बना है? 2022 में बना है। एरिया कौन सा है? सागर, दमोह और नरसिंहपुर। ठीक है, इनका जो बफर एरिया है ना, ये सागर, दमोह और यहाँ नरसिंहपुर वाला जो बफर एरिया है, यहाँ पे सेंचुरी को, मतलब दो तीन और जगह है, नौरतही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो सागर में है, इन सब के एरिया को मर्ज करके एक टाइगर रिजर्व बनाया है। क्या नाम है इसका? वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें जो पन्ना है ना, पन्ना टाइगर रिजर्व में एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा यहाँ तक। ठीक है, उससे क्या होगा? जो पन्ना टाइगर रिजर्व के टाइगर्स हैं वो यहाँ पे शिफ्ट करे जाएंगे, मतलब रिहैबिलिटेट, रीसेटल करे जाएंगे। कहाँ पर? जो हमारा नया टाइगर रिजर्व बन रहा है 2022 में, वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसका रीजन हमको अच्छे से याद रखना है, कौन कौन से रीजन, कौन कौन से जिले इंक्लूडेड है? सागर, दमोह और नरसिंहपुर। ठीक है, इनका जो बफर एरिया है वहाँ पे इस टाइगर रिजर्व को सैंक्शन किया गया है। ठीक है, तो ये एमपी ने करा है, मतलब एमपी ने ये इनिशिएटिव लिया है उन टाइगर्स के लिए जो रिहैबिलिटेट या जिनके रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट इश्यूज आ रहे थे, ठीक है ना, पन्ना टाइगर रिजर्व में। ठीक है, तो ये था बेसिकली केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इसमें आपको डेटा याद हो गया है, जो आपके बेसिक फैक्चुअल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके लिए इट विल हेल्प यू, और 3 और 5 नंबर के हिसाब से भी ये आपका पूरा क्वेश्चन प्रिपेयर्ड है। अब हम अगर बात करें रिवर्स की, बात करें, इससे बेतवा और केन के बारे में हमने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, तो जब हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी पर्टिकुलर रिवर्स के बारे में, तो उनमें हम बेतवा रिवर का भी इंडिविजुअली देख लेंगे कि ओरिजिन कहाँ से होती है, इस पर कौन से प्रोजेक्ट हैं, ड्रेन तो हमने, ओरिजिन और ड्रेन तो हमने देख ही लिया है। ठीक है, उसके बाद केन का भी सेम देख लेंगे हम। ठीक, तो ये वाला था मेन बेसिकली। ठीक है, ओके, थैंक यू।